आपका दोस्त रैन फरीद। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि रमजान मुबारक चल रहा है और अल्लाह ताला आपके सारे रोजे कबूल फरमाए। और आज हम एक रेसिपी बनाने जा रहे हैं, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी है। तो मेरी दादी जान सारे रमजान में गरीब लोगों को अपने घर बुला के उनको अपने हाथ से खाना खिलाती थी और उसके साथ स्नैक्स उनको देती थी। उनको काफी ज्यादा रेसिपीज बनानी आती थी और जो वो स्नैक बनाती थी वो थी मेरी मामा की फेवरेट चिकन एंड पोटैटो कचौरी। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स हैं ब्रेड के स्लाइसेस, धनिया, पुदीना और हरी मिर्च कटी हुई, बॉयल पोटैटोस और श्रेडेड चिकन। हाफ टी स्पून जीरा और हाफ टी स्पून गरम मसाला, हाफ टी स्पून सूखा धनिया और हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स और रेड चिली पाउडर मिक्स और 1 टीस्पून नमक डाल देंगे। हाफ टी स्पून चाट मसाला डालेंगे। हाँ, इसे हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं ऐसे ऐसे ताकि अच्छा सा हो जाए। जो भी मिर्चें ये हमने सारी अच्छी तरह मिक्स करनी है ताकि सारा इक्वल हो। अब हमें अपने ब्रेड के स्लाइसेस के कॉर्नर्स उतार लेने हैं, ज़्यादा कॉर्नर्स ना ही उतारें, बस एज एज से। अब हम इसको पानी के अंदर स्लाइस को डिप करेंगे एक साइड से और हम इसका एक्सेसिव वाटर ऐसे इसका पानी भी निकाल देंगे। हम इसमें थोड़ी सी फिलिंग लेंगे इतनी ताकि बाहर ना आए। और अब हम इसको साइडों से फोल्ड कर देंगे। अब हम इसको सब सब साइडों से बंद कर देंगे। और हम इसे एक बॉल की शक्ल दे देंगे। अब हमारा ये अच्छा सा बॉल बन गया। अब हम बाकी बॉल भी इसी तरह के बनाते जाएंगे। चलें, अभी सारे रेडी हो गए हैं। देखिए कितने प्यारे हैं, फ्राई होने के बाद इनकी बड़ी अच्छी शेप आ रही है। इसके अलावा मेरी दादा इसके अंदर मटन और बीफ की भी फिलिंग करती थी। अब हम इनको ऑयल में फ्राई करेंगे। अब हम सबस चटनी बनाने के लिए हम दही के अंदर फेंट लेंगे थोड़ा सा। इसके अंदर हम थोड़ा सा नमक, जीरा डालेंगे, थोड़ी सी चीनी, थोड़ी सी चाट मसाला डालेंगे। अब हम इसके अंदर पुदीना, धनिया और सबस मिर्चें जो हमने वो पीस लिए हैं अब हम इसके अंदर डालेंगे। अब हम इसके अंदर एक लीमू निचोड़ लेंगे। और इस तरह मेरी दादी जान बनाती थी ग्रीन चटनी। आज हम अपना न्यू नॉनस्टिक फ्राई पैन यूज करेंगे, ये हम रमजान के लिए लाए थे। चलिए अब हम इसको फ्राई करते हैं। अब हमारा ऑयल काफी अच्छी तरीके से गर्म हो गया। अब हम कचौरियां उसके अंदर फ्राई करेंगे। हमने उल्टी डाली है। अब हम हमारी कचौरियां फ्राई हो गई हैं, अब हम इनको निकाल लेंगे। अब हमारी कचौरियां फ्राई हो गई हैं और ये बहुत प्यारी लग रही हैं। ये बहुत बड़ी बड़ी हैं और अच्छी सॉलिड है। अब मेरी दादी जान की रेसिपी की कचौरियां रेडी हैं, अब हम इनको ट्राई करेंगे। और ये हमने चटनी बनाई है और ये मेरी मम्मा ने इमली आलू बुखारे की चटनी बनाई। अब हम इसको इधर सर्विंग प्लेट में डाल देंगे। अब हम इसको मैं आपको काट के दिखाता हूँ। वाओ, अब हम हाफ पे इमली आलू बुखारे की चटनी डालेंगे और हाफ पे धनिया पुदीने की चटनी डालेंगे। सबसे पहले मैं इमली आलू बुखारे की चटनी खाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे कहो आलू और चिकन बहुत मजे का लग रहा है। और विंटर कोरिएंडर का टेस्ट भी बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजे की है। और बाइट ये भी बड़ी अच्छी है, टूटेंगे नहीं और ये क्रिस्पी है।
मजे का, रिफ्रेश हो गया गाइस, बड़ी मजे की है। अब हम धनी पुदीने की चटनी वाली ट्राई करते हैं। बहुत फ्लेवरफुल है। अब हम मिलते हैं किसी अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इफ़ यू लाइक दिस कचौरी हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मेरे दादी के लिए ज़रूर दुआ करें और आप सब लोग ये अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।